देश में न्यू पेंशन स्कीम का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सोलन के सरकारी कार्यालयों में पेन डाउन हड़ताल जारी रही, जिसके कारण सरकारी कामकाज ना के बराबर रहा। सोलन के उपायुक्त कार्यालय में भी कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में पेन डाउन स्ट्राइक की। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम में ही रखा जाए, वे किसी भी सूरत में नई पेंशन स्कीम नहीं चाहते। जब तक उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ नहीं मिलेगा, उनका ये विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनका विरोध बढ़ता रहेगा, जिसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार होगी। उपायुक्त कार्यालय में पेन डाउन स्ट्राइक करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि वे अपना पूरा जीवन सरकारी कामकाज में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद जब उन्हें जीवन यापन करने के लिए पेंशन की आवश्यकता होती है, तब उन्हें नई पेंशन स्कीम के तहत ना के बराबर पेंशन दी जा रही है, जो बेहद गलत है। न्यू पेंशन स्कीम से साबित होता है कि केंद्र और राज्य सरकार केवल कर्मचारियों का शोषण करना चाहती है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम का संपूर्ण भारतवर्ष में विरोध हो रहा है। ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार न्यू पेंशन स्कीम को बंद नहीं कर देती। मेरा नाम मनदीप ठाकुर है, और जिस तरह से सभी को ज्ञात है कि पूरे देश में एनपीएस स्कीम की विरोध चल रहा है, इसी के चलते आज प्रदेश सरकार यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी पेन डाउन स्ट्राइक रखी गई है। हम भी न्यू पेंशन स्कीम का पूर्णतः विरोध करते हैं, जो कि नए कर्मचारियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके न्यू पेंशन स्कीम लाई गई है, जो किसी भी तरीके से कर्मचारियों के हित में नहीं है। क्या समस्या है इसमें, न्यू पेंशन स्कीम में? न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जो हम लोग का कंट्रीब्यूशन होता है, उसी की कुछ रेशो को फिक्स करके बहुत ही कम पेंशन हमें दी जाती है, जो कि देखने में आया है अभी तक कर्मचारियों का हालत बहुत ही ख़राब है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके ओपीएस को लाया जाए। पहले तो एनपीएस को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं, जो ओल्ड पेंशन है न्यू पेंशन स्कीम में बहुत डिफरेंसेस हैं, क्योंकि काम तो कर्मचारी दोनों बराबर ही कर रहे हैं, सेम एज पे रिटायर हो रहे हैं 58, तो जो वर्क कंट्रीब्यूशन हमारा है वो इक्वल है, तो आफ्टर रिटायरमेंट ये सब भेदभाव हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? एक ओल्ड पेंशन स्कीम्स को आफ्टर रिटायरमेंट को पूरी पेंशन दी जा रही है, जबकि हम लोगों को सिर्फ 2 से 3 हज़ार के बीच में मिल रहा है, जो कि बहुत नाइंसाफी है। 2-3 हज़ार से हमारे लिए परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल है। ये मांग करते हैं कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही हमारी पेंशन हमें दे दी जाए।